बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 में जो भरण पोषण का जो आदेश होता है उसको कैंसिल कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज इसी के बारे में आज हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर समझ में नहीं आया है तब भी आप हमें कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 में जो भरण पोषण का जो आदेश होता है उसको कैंसिल कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज इसी के बारे में आज हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर समझ में नहीं आया है तब भी आप हमें कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं प्रॉपर कंसल्टेशन फीस के साथ। चूंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और मेंटेनेंस का जो खेल है वही एक हथियार की तरह महिलाएं यूज कर रही हैं। सक्षम है, भरण पोषण कर सकती हैं, भरण पोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी पति के ऊपर ये 125 सीआरपीसी के तहत में भरण पोषण का प्रेशर डेवलप करना है। इंटेंशन ये है कि पैसा भी मिले, पति जेल भी जाए, इसलिए क्या करती हैं कि बढ़ा चढ़ा के इतनी रकम लिखवा देती हैं पति की और पति को इतना सक्षम बता देती हैं कि जैसे वो टाटा बिरला अंबानी हो, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाती हैं। वो हम ये सोचते रहते हैं कि यार हमारी ये पत्नी है, चलो ठीक है, और हम जूझते रहते हैं कि यार इसको कैंसिल कराने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं आदेश को लेके तो वहां पे क्या होता है कि कम ज्यादा कर दिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस को बहुत कम, रेयर एंड रेयर केसेस में कैंसिल किया जाता है। जबकि सीआरपीसी 125 का स्पष्ट है कि अगर बिना किसी कारण से आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है अगर वो हाईली क्वालिफाइड है तो वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं है। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और घर में बैठी हुई है तो उसकी पढ़ाई का फिर क्या फायदा रहा, एजुकेटेड होने का क्या फायदा रहा, हाथ फैलाने के लिए है क्या, सिर्फ पति पे भार बनना है। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। कुछ लोग जो मुकदमे झेल रहे हैं वो लोग हमसे कहते हैं कि हमने बहुत सारे एविडेंस दे दिए, कोर्ट हमारी सुनती ही नहीं है, कैसे बचा जाए, मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। अगर पति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी तनख्वाह में से मेंटेनेंस मांगा जाता है, अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसकी तनख्वाह में से मांगा जाता है, अगर पति बेरोजगार है तब भी उससे मेंटेनेंस मांगा जाता है। लेकिन इन सारी कंडीशंस में पत्नी कभी ये नहीं बताती कि हमारा जो पति है उसके ऊपर रिलायबिलिटीज कितनी है, उसके ऊपर आश्रित कितने हैं। पत्नी कभी ये नहीं दिखाती। पत्नी हमेशा अपने पति को सक्षम बताती है, जबकि उसे पता है अपने पति की हालिया स्थिति के बारे में बखूबी पता रहता है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, आपके फायदे के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं,
ताकि कि आप फायदा ले सकें, वरना वीडियो बनाने का जो टॉपिक है ना, कैसे भी बना लो, लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे लाइक कमेंट आते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि आपको कैसे बचाया जाए, आपको और आपके परिवार को कैसे बचाया जाए। आप लोगों को अगर वीडियो मेरा समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए कंसल्टेशन फीस रखी हुई है। हम आपको ज्ञान फ्री में दे सकते हैं लेकिन आपको समय फ्री में नहीं दे सकते। और 500 रुपये क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ में 3 या 4 या 5 मुकदमे जरूर होते हैं, और जब भी फोन पे जब बात होती है तो उन 5 मुकदमों की बात होती है, कोई 3 मुकदमों की बात कर रहा है फिर तो वो लंबी बात खिंच जाती है। इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक्स पार्टी आदेश भरण पोषण का हो जाता है, पति को नोटिस सम्मन जारी हो जाता है और पति को एपीआर दिखा दिया जाता है और एक्स पार्टी आदेश हो जाता है, कभी कभी तो फैमिली कोर्ट में क्या होता है कि पति को पता ही नहीं चलता कि हमारा सम्मन कहाँ गया। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो सीआरपीसी 126(2) के तहत में आप उस ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए आप उसी न्यायालय में बात दायर कर सकते हैं। हालांकि इस ऑर्डर के खिलाफ में हम अपील में भी जा सकते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट जो सेक्शन 19 रीड विद सीपीसी 96 के तहत में हम इसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं, लेकिन हम इसको सेट असाइड में लेके जाएंगे, 126(2) में लेके जाएंगे, तब जब एक्स पार्टी पॉजिटिव हो, जब पर्याप्त तामीला ना हो। लेकिन पर्याप्त तामीला भी है, मेरिट पे डिसाइड हुआ है, पत्नी ने एफिडेविट भी दिए हैं, सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, अब इस ऑर्डर को कैसे कैंसिल कराना है। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि आप ऊपरी अदालत में चले जाओ, यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है उसके मुताबिक जो फैमिली कोर्ट में जो मैटर डिसाइड हुआ है 125 का, अब वो हाई कोर्ट जाएगा अपील में, जैसा कि मैंने बताया आपको। लेकिन यहां पे क्या करना है, पति को सक्षम दिखाया गया है, पति की इनकम दिखाई गई है और मेंटेनेंस का आदेश पारित किया गया है। पत्नी सक्षम है लेकिन वो अपनी इनकम है वो छुपाए हुए है, फॉल्स एफिडेविट दाखिल कर रही है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है, झूठी कहानी बना रही है। जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली कोर्ट जो है ना, उसके हाथ में सिविल पावर है, उसके हाथ में क्रिमिनल पावर डील करने की पावर नहीं है, क्योंकि 498A जो है ना, अगर आपका पैरेलल चल रहा है और वो पेंडिंग है तो यहाँ पे सीआरपीसी 125 के तहत में ना मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं कर सकता उन तथ्यों को, क्योंकि जो 125 में जो आरोप लगाए जाते हैं वो मारपीट, दहेज प्रताड़ना वगैरह के सेम तथ्य होते हैं। इसके बारे में कभी बहुत डिटेल में कभी बात करेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक साक्ष्य एफिडेविट, औपचारिक साक्ष्य जिसको बोलते हैं, जिसमें कथन वही रहते हैं सारी चीजें, औपचारिक साक्ष्य, साक्ष्य एफिडेविट जिसको बोला जाता है, वो जैसे ही पत्नी दाखिल करती है और पति के खिलाफ में ऑर्डर पारित कर दिया, डेट मीन्स कि जो उसने आरोप लगाए थे उसने साक्ष्य शपथ पत्र से सारे आरोप उसने साबित कर दिए, डेट मीन्स कि 498 का जो मामला चल रहा है ना, वो भी अब पति के खिलाफ हो सकता है। तो यहां पे क्या किया है, उस ट्रायल को बाधित करने की कोशिश की गई है इस साक्ष्य एफिडेविट से। अगर आपके साथ इस तरीके की अगर हरकत हुई है तो आपको ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए नहीं जाना है, आपको उसी अदालत में जाना है जिस अदालत ने आदेश पारित किया है, परिस्थितियों को दिखाते हुए आप उस ऑर्डर को कैंसिलेशन के लिए 127(2) ऑफ सीआरपीसी के तहत में आप उसी न्यायालय में दावा दाखिल कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करे,
अपने ऑर्डर को कैंसिल करें, अपने ऑर्डर को जस्टिफाई करें वहां पे। अगर वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है ना, तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। ये रास्ता जो है ना वो मेंटेनेंस खारिज करवाएगा, क्योंकि जब आप 127 तो डालने जा रहे हैं ना, तो वो मेरिट पे और एविडेंस के आधार पे जा रहे हैं। आपकी राम कहानी से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या किया और उसने क्या किया। यहां पे सिर्फ ये बातें जाएंगी कि उसने सही कितना बोला और गलत कितना बोला, और ये जो ऑर्डर जो हुआ है वो कहां तक लीगली स्टैंड करता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी की जानकारी जो है ना, अगर आपको चाहिए डिटेल्ड में, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ायदा मिले, आपको बचाया जाए। धन्यवाद।